देश दुनिया की छोटी बड़ी खबरों के साथ राजनीतिक और मनोरंजन की सारी खबरें देखिए सिर्फ खटपट न्यूज पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। खटपट न्यूज, खबरें थोड़ा हटके। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोलते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अंदर विभाजन की रेखा स्पष्ट दिखने लगी है। टीसी देव जैसे बहुत सारे नेता कांग्रेस में असंतुष्ट है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस को याद नहीं है जब मध्य प्रदेश से अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य बना तब हमने आरक्षण को लेकर सबसे बड़ा काम किया। भाजपा ने नए आरक्षण नियम बनाए और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण को 20% से बढ़ाकर 32% किया। 2012 से कानून बनाकर विधेयक बनाकर लागू किया। इसके साथ ही जिला स्तर पर कॉडर बनाया गया, हजारों नवयुवकों की भर्ती की, लेकिन कांग्रेस सरकार क्या कर रही है वो दिख रहा है। सिंहदेव की भूमिका खुद बताने लगे हैं कि मेरी भूमिका आने वाले समय में क्या होगी। ये कांग्रेस के अंदर स्पष्ट विभाजन की रेखा दिखती जा रही है और आने वाले समय में और ही स्पष्ट होगा और बहुत सारे लोग आज असंतुष्ट। पहले तो कांग्रेस के सदस्य हैं, कांग्रेस में यदि हटते हैं तो फिर बाकी आगे की बातचीत करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, खटपट न्यूज़।